प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मारुति संजीवनी को और दबाएं बेल के निशान को मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मारुति संजीवनी में फिर से एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, आज जहां लोग अपने वजन को घटाने के लिए घंटों जिम में एक्सरसाइज करके या रनिंग करके अपना पसीना बहा रहे हैं, वहीं कुछ लोग अपने वजन के कम होने से भी परेशान हैं और काफी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसलिए वह अपने वजन को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, वजन को घटाना या बढ़ाना दोनों ही किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज या डाइटिंग करने पर अपने वजन को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, पर वजन को बढ़ाना तो मानो नामुमकिन सा लगता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा, जिसके कुछ ही दिन लगातार इस्तेमाल के बाद आप अपने वजन को तेजी से बढ़ा सकते हैं। और कुछ दुबले पतले लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि वो कुछ भी खा लें उनके शरीर को नहीं लगता, तो उसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिसके इस्तेमाल के बाद आप जो भी खाएंगे वह आपके शरीर को लगने लगेगा और आपका वजन भी तेजी से बढ़ने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने वजन को तेजी से बढ़ाए जाने वाले नुस्खे के बारे में। दोस्तों, इस नुस्खे में हम तीन चीजों का इस्तेमाल करेंगे और दोस्तों, हो सकता है आपने इस नुस्खे के बारे में पहले भी सुना हो, पर इसे कैसे लेना है, कब लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण हमें इसका फायदा नहीं मिल पाता। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं नुस्खे के बारे में। इसमें सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है केला। दोस्तों, केले में भरपूर मात्रा में कैलोरी पाई जाती है, जो कि हमारे वजन को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी होती है, इसलिए अधिकतर बॉडी बिल्डर्स भी अपनी रूटीन की डाइट में केले का सेवन जरूर करते हैं। दोस्तों, नंबर दो पर हमें चाहिए होगी किशमिश। दोस्तों, किशमिश आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और प्राकृतिक यानी नेचुरल शुगर से भरपूर होती है, जो कि हमारे वजन को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। और दोस्तों, नंबर तीन पर हम इस्तेमाल करेंगे एक गिलास दूध का। अब दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि इस नुस्खे में हमें किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि इसे कब लेना है और कितनी मात्रा में लेना है। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, कि एक मुट्ठी किशमिश को रात को सोते समय एक गिलास दूध में डालकर किशमिश को दूध में भिगो देना है। अब इसे पूरी रात ऐसे ही पड़ा रहने दें। अगली सुबह जब आप देखेंगे तो किशमिश अंगूर की तरह फूल जाएगी। अब दूध में फूली हुई इस किशमिश को निकाल लें और अच्छी तरह से किशमिश को चबा चबा कर खाएं। इसके बाद दो केले खाएं और ठीक 10 मिनट बाद एक गिलास दूध पिएं। और याद रहे दोस्तों कि इस नुस्खे को सुबह खाली पेट ही लेना है। दोस्तों, इसके लगातार 30 दिन इस्तेमाल के बाद आपको आपके शरीर में फर्क महसूस होने लगेगा। अब हम उन दुबले पतले लोगों की बात करते हैं जिनकी हमेशा ये शिकायत रही है कि वो चाहे कुछ भी खा लें उनके शरीर को नहीं लगता। तो दोस्तों, ऐसे में आपको इस्तेमाल करना है यष्टि मधु पाउडर का, जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पतंजलि स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस पाउडर को आपने दिन में दो बार खाना खाने के बाद आधा आधा चम्मच लेना है। इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप जो भी खाएंगे वह आपके शरीर को लगने लगेगा और देखते ही देखते आपका वजन भी तेजी से बढ़ने लग जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, इस नुस्खे के साथ साथ हर रोज हल्की एक्सरसाइज भी जरूर करते रहें। तो दोस्तों, अगर आप अपनी हेल्थ से जुड़े ऐसे और भी नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।